फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और अभी हमारे को वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक ट्रेन यहाँ पे नहीं आई है और हम टाइम से लगभग एक घंटा पहले पहुंच चुके हैं। तो वी विल हैव टू वेट फॉर अनदर राउंड अबाउट 55 मिनट्स। सो लेट्स वेट फॉर इट। दिल्ली से मसूरी जाने के लिए आप बस, ट्रेन या एरोप्लेन किसी भी तरीके से जा सकते हैं या टैक्सी भी कर सकते हैं। यहाँ से डिस्टेंस केवल 300 किलोमीटर का है। डायरेक्ट कोई भी ट्रेन या बस आपको मसूरी नहीं लेके जाती है। आपको पहले देहरादून उतरना होगा। देहरादून रेलवे स्टेशन से आप चाहें तो टैक्सी ले सकते हैं और टैक्सी आपसे लेती है 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक, और आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं और बस लेगी आपसे सिर्फ 65 रुपीज़ पर पर्सन। तो दोनों ही तरीके से आप मसूरी जा सकते हैं। एक से डेढ़ घंटे का टाइम आपको लगता है जाने में और लगभग 30 से 35 किलोमीटर डिस्टेंस पे है देहरादून से। तो हमारी ट्रेन थर्ड एसी स्लीपर है और इनको मिली है ऊपर की सीट और मुझे मिली है साइड कॉर्नर और इनको मिली है ऊपर की। और अभी ये ट्रेन रात के टाइम कैसी दिखती है, इट्स सो अमेजिंग। ये भालू है या डॉगी है? तो अब हम लोग मॉल रोड पहुंच चुके हैं। मैं पहले बता दूं कि मॉल रोड पे आपको कोई भी टैक्सी लेके नहीं आती है। मॉल रोड के अंदर प्राइवेट व्हीकल्स भी अलाउड नहीं हैं, तो आपको थोड़ा सा वॉक करना पड़ सकता है। एंड ये हमारा होटल रूम है, होटल रॉकवुड, और इसका रूम नंबर है 311। काफ़ी स्पेशियस रूम है और हम लोग 5 लोग थे जिसमें कि 3 एडल्ट्स एंड 2 किड्स। तो हम लोगों ने रूम उसी हिसाब से लिया था, 1 लार्ज बेड एंड 2 सिंगल बेड्स। तो रूम काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर होटल रूम अच्छा हो तो फिर आपका जर्नी का जो मज़ा होता है वो दुगना हो जाता है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने डेकोरेट किया था विच टीवी एंड ऑल द फैसिलिटीज़, आप देख सकते हैं। यहाँ ये छोटी सी अलमीरा है। और मुझे क्या चाहिए होता है कि बाथरूम बहुत अच्छा होना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो वो बहुत ही साफ़ सुथरा एंड नीट एंड क्लीन है। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग एनी थिंग्स, बट मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप वहाँ जाएँ तो मॉल रोड पे आप होटल रॉकवुड बुक कर सकते हैं। बाहर का व्यू यहाँ से बहुत ही अच्छा दिखता है। अभी यहाँ नाइट का टाइम है, आधा मसूरी तो आपको यहीं से दिख जाएगा। और यहाँ बाहर टेरेस भी है जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में दिखाऊँगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। टेरेस पे आपके पास स्विंग्स भी हैं, आप स्विंग कर सकते हैं, आप बोन फायर का मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ ये होटल का वॉशरूम जो आप देख सकते हो कि बहुत ही नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है एकदम, और काफ़ी बड़ा भी है। तो मुझे यही चाहिए था, तो दिस इज़ द बेस्ट। और अब हम लोग सोने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में उठ के जाएंगे सबसे पहले भट्टा फॉल और उसके बाद मसूरी लेक, क्योंकि मेरा जो मेन एम है आने का, आई वांट टू डू अ पैराग्लाइडिंग। तो मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा उसमें पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो गाइज, मैं तो रेडी हो चुकी हूँ घूमने के लिए और अभी इन लोगों को होना बाकी है, तो चलिए जल्दी जल्दी करते हैं और फिर निकलते हैं मॉल रोड पे। गाइज, अब हम लोग मॉल रोड के लिए निकल गए हैं और रास्ते में छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जहाँ के व्यूज बहुत ही कमाल के हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मसूरी का मॉल रोड और यहाँ पे आपको हर तरह का सामान आप खरीद सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। मार्केट बहुत अच्छी है, रीज़नेबल है, और मैं कहूँगी आप कुछ भी लेना चाहें तो यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगा।
तो मार्केट मुझे बहुत अच्छी लगी। एक से एक फैंसी चीज़ें जो आपको दिल्ली में मिलती हैं वो सभी यहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो दिल्ली की मार्केट में और इसकी मार्केट में मुझे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। आप घूमने के साथ साथ यहाँ शॉपिंग भी कर सकते हैं। ज्ञान ने तो वास्तव में ही कर दिखाया। चलाओ किया ना। ओ अब किसकी टर्न है? मेरी। किसकी टर्न है? इधर देख के बताओ। तो गाइज जब आप जाते हैं मॉल रोड की तरफ तो ये सारा ही इनफैक्ट मॉल रोड ही है। और तो यहाँ पे आपको जगह जगह ये बलून शूटिंग एंड रिंग आप फेंक सकते हैं और कुछ छोटे छोटे इनाम जीत सकते हैं। बच्चों को ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। तो अब हम जा रहे हैं भट्टा फॉल की तरफ। वहाँ पे रोपवे भी है, आप ट्रॉली से नीचे जा सकते हैं रोपवे से। तो वहाँ के क्या चार्जेस हैं वो सब क्या है आइए देखते हैं। गाइज़ यहाँ का व्यू भी मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे भी कैप्चर कर लिया। दूर दूर तक आप पहाड़ देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा मौसम है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। हम लोग अप्रैल में यहाँ आए हैं। इट इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट। सी स्टैंड है यहाँ पे, आपको हर गाड़ी मिल जाएगी, टैक्सी। और मसूरी घूमने के लिए आपको कुछ चार्जेस लगेंगे, पैकेजेस होते हैं इनके कि एक पैकेज में ये लोग कहाँ कहाँ घुमाते हैं। तो आप यहाँ से टैक्सी हायर कर सकते हैं। और साथ ही सामने बस स्टैंड है तो यहाँ से आप बस लेके भी देहरादून तक जा सकते हैं। और ये यहाँ का एसोसिएशन है टैक्सी कार्स का, तो यहाँ पे चार्जेस वगैरह भी लिखे होते हैं तो आप उसमें देख सकते हो। यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस होते हैं, आप देख सकते हो ये सारे पैकेजेस हैं। इन सभी पैकेजेस में से आप चुन सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ जाना है और उसमें टैक्सी के क्या चार्जेस होंगे। तो ये अलग अलग टूर बना रखे हैं इन लोगों ने, सो दैट कि तीन जगह या चार जगह जहाँ भी आपको घूमना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे पैकेज बुक कर सकते हैं और टैक्सी को हायर कर सकते हैं टिल 7 PM। सो नाउ वी आर ऑन द वे टू भट्टा फॉल। गाइस अब हम आए हैं यहाँ भट्टा फॉल पे और यहाँ रोप वे भी होता है। तो अभी हम जा रहे हैं देखने कि ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये सारा रोप वे के लिए है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं भट्टा फॉल और अभी हम लोग नीचे जाएंगे। मैं शायद से ना हूं, मेरे को नहीं पता। ये रोप वे है भट्टा फॉल तक जाने के लिए। नीचे जाने की और टिकट पर पर्सन 200 रुपीज़ है, जिसमें आना और जाना दोनों इंक्लूडेड है। और उसमें एक ट्रॉली में 8 लोग बैठ सकते हैं इजीली। तो टिकट आपको संभाल के रखनी होगी क्योंकि अगर आपने टिकट नहीं संभाली तो वापसी में आपसे दोबारा चार्जेस लिए जा सकते हैं। और हाँ, यहाँ छोटे बच्चों की भी टिकट लगती है। इनफैक्ट कियान की भी टिकट मुझे लेनी पड़ी है, वो भी पूरी 200 रुपीज़ की। ये ट्रॉली आ गई है, इसके बाद में हमारा नंबर है। यहाँ
यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जाना है। अगर आप रोपवे नहीं यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी नीचे तक पैदल जाना पड़ेगा और वो काफ़ी टायरिंग होगा। और अगर आप रोपवे लेते हैं तो नीचे आपको अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होगी, अदरवाइज़ आपको नीचे अलग से टिकट भी लेना पड़ेगा। तो मैं कहूँगी कि आप अगर रोपवे से जाते हैं तो आपको दो फ़ायदे हैं, एक तो नीचे से अलग टिकट नहीं लेनी होगी और ऊपर से आना जाना भी आपका इसी में हो जाएगा, आपको फिर से ऊपर इतनी ज़्यादा ऊपर चल के नहीं आना होगा। तो गाइस ये बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है, आप जब यहाँ पे आए तो ये रोपवे का आनंद ज़रूर लें और ये बहुत ही चीप रेट में है और बहुत ही अच्छा। अमेजिंग एक्सपीरियंस है, मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ जाएं तो आप भट्टा फॉल ज़रूर जाएं। यहाँ की आप साउंड देखिए पानी की और इतना मज़ा आ रहा है। यहाँ देखिए लोग बैठ के आराम से मैगी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हमने भी अभी मैगी खाई थी यहाँ पे एंड बहुत ही अच्छा ऑसम एक्सपीरियंस है। तो जब भी आप मसूरी आएँ भट्टा फॉल में ज़रूर आएँ और यहाँ पर नहाने का मज़ा लें। हम अप्रैल के महीने में आए हैं तो थोड़ा ठंडा था पानी, लेकिन जब हम लोग इसके अंदर गए और थोड़ी देर रुके तो ये नॉर्मल लगने लगा, तो आप आराम से नहा सकते हैं इसमें। तो गाइस ये है भट्टा फॉल और यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं। यहाँ पे नहाने का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ऑसम है। पानी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, काफ़ी स्पेस है, आप यहाँ पे अच्छे से आप और आपके बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही साफ पानी है, ठंडा पानी है। मेरे बच्चों ने यहाँ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने अच्छे से आप नहा सकते हो। एंड सेकेंडली यहाँ पे इस तरह की ये नीचे की तरफ टेबल एंड चेयर भी लगी हुई है, यहाँ पे आप चाहे तो कुछ स्नैक्स खा सकते हैं जैसे कि मैगी या गर्मा गर्म पकौड़े, चाय ले सकते हैं। यहाँ काफ़ी लोग इस तरह से इंजॉयमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप ये सब करते हैं। तो गाइस अब हम आए हैं यहाँ पर पैरा ग्लाइडिंग करने और ये होती है मसूरी लेक के पास। इसके चार्जेस क्या हैं और ये कितने मिनट की होती है और इसे करने के बाद कितना फन आता है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो चलिए मेरे साथ। तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग होती है, ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी वैली है, यहाँ पे ये लोग पैराग्लाइडिंग कराते हैं। और पैराग्लाइडिंग के चार्जेस हैं 1500 फॉर 5 मिनट्स एंड अगर आप आधा घंटा करना चाहते हो तो 5000। तो मैंने तो सिर्फ 5 मिनट्स की ही की है। तो सबसे पहले आपको एक जैकेट पहना दी जाती है और जिसके नीचे सीट भी लगी होती है और आपको सीधा खड़ा होने के लिए बोला जाता है। साथ में जो पैराग्लाइडिंग कराते हैं वो होते हैं आपके पीछे और ये आप देख सकते हो जो वायर्स बंधी हुई है ये पैराग्लाइडिंग के लिए। इस पैराशूट के अंदर हवा भरने होती है, इसका वेट होता है, तो जैसे ही हवा भर जाती है तुरंत एकदम से आपको बोला जाता है आगे चलने के लिए एंड देन आप फ्लाई करने लगते हो। गाइस ये जो एक्सपीरियंस होता है इट्स ऑसम, आपको ऐसे लगेगा कि आप जैसे हवा में उड़ रहे हो, एक पक्षी की तरह, एक पंछी की तरह। और ये जो एक्सपीरियंस है इसको मैं आपको वर्ड्स में बोल ही नहीं सकती, क्योंकि ये अगर आप खुद करने जाएंगे तो ही आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि इट्स ऑसम, बहुत ही अच्छा लगता है आपको। आपको लगता है कि ये सिर्फ 2-3 मिनट की ही है, लेकिन आपको मन करता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसे उड़ते रहें हवा में। एंड मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा कम देते हैं, बट इतने टाइम में भी आप बहुत कुछ इंजॉय कर सकते हो। तो अगर आप मसूरी आ रहे हो मसूरी लेक में ज़रूर आइए और वहाँ पे आके इस पैराग्लाइडिंग को ज़रूर कीजिए, आपको बहुत 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 मज़ा आने वाला है।
लोग वापस जा रहे हैं वापस अपने होटल रूम में, और ये है होटल रॉकवुड। और अब हम थोड़ा सा यहीं पे रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ के गैलरी में, आपके सॉरी टेरेस में। ये यहाँ का टेरेस है जो कि हमारे रूम के बिल्कुल आगे ही है, और यहाँ स्विंग्स भी लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। आप रात को अगर सर्दियाँ हैं तो बोन फायर भी यहाँ पे मज़ा ले सकते हैं बोन फायर का। और यहाँ से अगर आप देखिए तो व्यू बहुत 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 अच्छा है, यहाँ पे खड़े होकर आप घंटों बिता सकते हैं। अभी रात है तो आपको दिखाई नहीं देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे से दूर दूर तक हिल्स दिखाई देते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ देखिए मेरे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं स्विंग्स के ऊपर। अब हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में डिनर करने के लिए। तो गाइज़ आज हमारा ये फर्स्ट डे था मसूरी में, अब हम सेकेंड डे यानी कि कल जाएंगे कैंप्टी फॉल और कंपनी गार्डन। तो मेरा वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, और उस वीडियो में हम लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं और वहाँ पे कैंप्टी फॉल पे क्या क्या है देखने के लिए, ये देखने के लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और उसके बाद हम लोग मॉल रोड पे थोड़ा सा वॉक करेंगे। नाइट के टाइम हम लोग बाहर डिनर करने जा रहे हैं, नाइट में थोड़ी ठंड हो गई है तो मैंने थोड़ा सा वुलन पहन लिया है। तो गाइज यहाँ सुबेरे शाम तो थोड़ी ठंड होती ही है, तो जब भी आप आए तो एक हल्का स्वेटर समर्स में रख के जरूर लाएं, क्योंकि शाम के टाइम आपको ठंड लगेगी। अगर रात को आपने होटल में ही रहना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, बट वैसे आप एक रख ले तो ज्यादा अच्छा। गोरिल्ला जो गाइज यहाँ मार्केट काफी लेट तक खुली रहती है, आप आराम से वॉक कर सकते हैं, स्नैक्स खा सकते हैं, आप आइसक्रीम का ले सकते हैं, और हाँ यहाँ दूध भी मिलता है कूलर वाला, वो भी आप पी सकते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैंने कैंप्टी फॉल और कंपनी गार्डन को कैप्चर किया है वो देखना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।